देखो आजकल लोगों को ना यार कॉमेडी मूवी भर भर के देखने जाते हैं, काफी मजा आता है, काफी इंजॉय करते हैं। पहले का टाइम अलग था जिसमें हम सिर्फ हॉरर सीरियल देखकर बिल्कुल फसाफस मजा आ जाता था, लेकिन आज का टाइम बिल्कुल बदल चुका है और हम लोगों को भी और किससे नहीं है ऐसी मूवी देखने का शौक यार, जो कॉमेडी हॉरर थ्रिलर मूवी हो, जो कि आपको हंसाने के साथ मुंहता भी दे। ऐसी मूवी देखने के लिए आदमी तो दिल थाम कर बैठता है। और कई सारी ऐसी मूवी जो भी आने वाली है बॉलीवुड की, इंडिया की ऐसी 10 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जो लिटरली आपको मजा कर देगी। तो गाइस वीडियो को पूरा देखने, क्योंकि ये एक से बढ़कर एक मास्टरपीस मूवीज है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो फिल्मी ट्रैक्स कुछ बातें। सो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके प्यार की काफी ज्यादा जरूरत है। गाइस आपका एक लाइक मेरे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन पैदा करेगा ना, तो चलो करते हैं शुरू, लेट्स गो। तो देखो ना यार गाइस, अगर हम बॉलीवुड में हॉरर मूवी की बात करते तो हम स्त्री को कभी नहीं भूल सकते यार, क्योंकि गाइस इस मूवी ने हमें वो झलक दिखाई जो हमने कभी सोचा ना था। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलने वाली। साल 2018 में दोनों ने स्त्री जैसी सुपरहिट फिल्म में काम किया था और अब ये इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, मेकर्स ने स्त्री 2 का फर्स्ट लुक जारी कर दिया था कुछ टाइम पहले, इसके साथ ही इसकी कहानी और थीम का फैंस अंदाजा लगाने लगे हैं। आई इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि स्त्री 2 के टीजर की शुरुआत होगी साल 2018 की कहानी से, ओ स्त्री कल आना की थीम से। फिर बात आती है साल 2024 की, जहां दीवार पर लाल रंग से लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना, मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल चुका है। साथ ही बताया गया है कि इस बार सरकटे का आतंक फैला हुआ है बिल्कुल खतरनाक तरीके से, जिससे निपटने के लिए गांव वाले स्त्री को रक्षा करने के लिए बुलाते हैं। तो गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस मूवी के लिए, इसके ज्यादा काफी ज्यादा एक्साइटेड है गाइस इस मूवी के लिए। तो यार बताया जा रहा है कि ये मूवी 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब नंबर 2 पर आने वाली मूवी है छोरी 2। गाइस छोरी मूवी अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि छोरी मूवी को जो हॉरर थ्रिलर जिस टाइप से उसमें दिखाया गया था यार, लिटरली अंदर तक आदमी का दिमाग खराब कर देता है, मतलब ऐसा भ्रम पैदा होता है लिटरली, मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम खुद मूवीज के अंदर है, इस टाइप की वाइब देती है मूवीज। इसी के साथ में आपको 2024 में 2024 में छोरी 2 आने वाली है। गाइस लिटरली इस मूवी ने सबकी हवा निकाल दी थी यार। बॉलीवुड की इसी हॉरर लिस्ट में अगर तीसरे नंबर पर कोई है तो अभी भाई साहब कार्तिक आर्यन है। देखो यार कुछ टाइम पहले सुनने में आया था कि कॉमेडी फ्रेंचाइज भूल भुलैया के रू बाबा की वापस से वापसी होने वाली है। अनीस बज्मी के डायरेक्शन और भूषण कुमार के प्रोडक्शन में बनने वाली भूल भुलैया 3 तीसरी किस्त वापस आने वाली है इसी 2024 में। तो गाइस इस मूवी के लिए तो लिटरली यार सबको एक्साइटमेंट पहले से ही होगा, आपको भी। देखो यार बॉलीवुड की हॉरर लिस्ट में एक नाम और भी जुड़ा हुआ है 2022 से, वो है भेड़िया। वरुण धवन की भेड़िया मूवी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन मूवी को इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन जब भी मूवी ने अच्छी खासी कमाई की थी। अब बताया जा रहा है कि भेड़िया 2 भी आने वाला है, वो 2024 में आपको देखने को मिलने वाला है और भेड़िया वापस से वरुण धवन ही बनकर आएगा और वो हो सकता है स्त्री के साथ कोलैब करे। ये सब सुनने में आ रहा है कि स्त्री मूवी में भेड़िया का कैमियो दिखाया जाएगा वरुण धवन का, तो ऐसा होता है गाइस मूवी में और हाइप बनेगी और कुछ अलग लेवल पर जाएगी मूवी। देखो यार इसी लिस्ट में अगर अब अगली मूवी के नाम बात करें तो ये है डरावनी मूवी पिशाचू 2। सो गाइस इस मूवी को लिटरली लोग काफी पसंद भी करते हैं और काफी डरते भी इस मूवी से यार, क्योंकि इस मूवी का जो रीमेक है बॉलीवुड भी कर चुका है। इस फिल्म में आपको विजय सेतुपति देखने वाले हैं मेन लीड रोल में। और गाइस पिशाचू मूवी इतनी खास क्यों है, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी इसकी फर्स्ट पार्ट वाली, तभी आपको पता चलेगा। अगली फिल्म की बात करें तो ये है तुम्बाड़। 2018 में आई मास्टरपीस फिल्म तुम्बाड़ का सीक्वल होने वाला है, जो फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन नहीं कर पाई थी। आज ये मूवी हर किसी के दिल में समाई हुई है। इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है, ऐसा फिल्म के प्रोड्यूसर और पार्ट 1 के जो लीड रोल था जिनका सोहम शाह कंफर्म कर चुके हैं। फिल्म की अभी स्क्रिप्टिंग हो रही है। अगले नंबर पर आने वाली मूवी गोन गन 2, मतलब गोन गन का सीक्वल होगी ये मूवी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ उखाड़ नहीं पाई थी, लेकिन आज ये मूवी कल्ट ऑडियंस की फेवरेट बन चुकी है। लेकिन मूवी कुछ सालों से होल्ड पर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2024 में ये मूवी आ सकती है। और मैं आपको बता, ये मूवी काफी ज्यादा वेट करवा रही है यार, और आप भी अगर मेरी तरह इस मूवी के लिए वेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। और अब अगली फिल्म है मुंजिया 2। इस फिल्म का भी सीक्वल आने वाला है और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। मुंजिया फिल्म इस साल की एक सरप्राइज हिट मूवी है, फिल्म को ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। यह मूवी ऑलरेडी सुपरहिट स्टेटस ले चुकी है भाई साहब, तो अब देखना है आगे के इसके पार्ट 2 में क्या होने वाला है। वैसे गाइस मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपए था और अब तक इस मूवी ने 60 करोड़ से ऊपर कमा लिया है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो पार्ट 2 आएगा वो काफी ज्यादा अपग्रेड हुआ होगा,
तो गाइस ये मूवी आपको 2026 से 2026 तक देख सकती है। और इसी के साथ अगली मूवी की बात किया तो वो है कंचना 4। गाइस फिल्म की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है काफी टाइम। आपको बताइए कि कंचना एक पॉपुलर तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म की फ्रेंचाइज है जो राघव लॉरेंस ने बनाई है, डायरेक्ट की है। यह फ्रेंचाइज हॉरर कॉमेडी परफेक्ट बैलेंस के साथ बनाई हुई है। गाइस सीरीज की पिछली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। हर मूवी को हिंदी डब को भी ऑडियंस काफी ज्यादा भरपूर प्यार देती है। कंचना 4 के लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बताया जा रहा है कि इस मूवी का सितंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएगा इसकी शूटिंग, और वहीं ये मूवी 2025 में पैन इंडिया स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी। वैसे गाइस ये मूवी भी एक अलग फ्रेंचाइज है, इसकी हर एक पार्ट हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा। वैसे गाइस आपको इन सब मूवीज में से कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार है बेसब्री से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो बनाया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।